कुछ एक्स्ट्रा स्टेट ऑफ लूफ के बारे में समझेंगे जिसको हमें अभी समझना है और इस वीडियो में कवर करना है। जैसे कि इन्फिनिटिव लूप और इन्फाइनाइट लूप, ये एक अलग फेस है लूप का, ठीक है। सब कुछ सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, लूप का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था व्हाइल लूप और फॉर लूप के बारे में, मेन पावर है वो कंडीशन पर है। जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहता है, ठीक है। तो लूप के अंदर कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पर लगातार प्रोग्राम चलते रहता है, एग्जीक्यूट होते रहता है, आइटरेट करते रहता है। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं इन्फाइनाइट लूप और इन्फिनिटिव लूप या इन्फाइनाइट लूप। ये लूप क्या होता है, रुकता नहीं है, ठीक है, इन्फाइनाइट है, कभी रुकेगा ही नहीं। इस तरह के प्रोग्रामिंग को अगर दिया जाए तो वो कभी प्रोग्राम रुकेगा ही नहीं, ठीक है। इसका यूज क्या होता है उसको भी हम देखेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको यूज करते हैं, क्यों इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इन्फाइनाइट लूप क्या होता है, फॉर लूप में भी इन्फाइनाइट लूप होता है और व्हाइल लूप में भी इन्फाइनाइट लूप होता है। तो दोनों का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। पहले हम फॉर के बारे में बात करते हैं। फॉर लूप के अंदर तीन चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताया था, पर इन्फाइनाइट लूप में क्या होगा, हम बस डबल सेमीकोलन अगर यूज कर दिए पैरेंथेसिस के अंदर तो इस लूप को हम इन्फाइनाइट लूप कहते हैं। ये क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, क्योंकि हमने इसको रोकने के लिए कोई कंडीशन भी नहीं दिया है, ना इसको कोई सोर्स है जो बाहर से रोके। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हमें कंपाइलर को एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है, कंपाइलर को बंद करना पड़ेगा ताकि वो प्रोग्राम को इरेज कर दे, जो कंसोल है हमारा उसको टर्मिनेट कर दे। दूसरा क्या है, व्हाइल में यहां पर जीरो अगर देंगे तो जिसका मतलब फॉल्स है, लेकिन जीरो के अलावा कोई भी नंबर देंगे, वन या टू, ठीक है, या थ्री, कुछ भी, जीरो के अलावा कोई भी नंबर, तो इसका मतलब है ट्रू। अब व्हाइल क्या करेगा, इस कंडीशन को ट्रू समझेगा, ट्रू कंसीडर करेगा, तो ये भी इन्फाइनाइट लूप होगा, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। जब तक आपके लैपटॉप के अंदर बैटरी मजबूत है तब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये है इसके अंदर का सबसे बड़ा स्टेट। तो इसको भी समझना है कि क्या है, क्या डू व्हाइल भी इन्फाइनाइट होता है, हाँ बिल्कुल होता है, हम बस डू दे देंगे, ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे और यहां कंडीशन ट्रू करेंगे, ये चलता रहेगा। तो इस स्टेट ऑफ लूप को कहते हैं इन्फिनिटिव या इन्फाइनाइट लूप इन सी। अब आपको प्रोग्राम करके दिखाते हैं कैसे ये कर रहा है, ठीक है। यहां पर मैंने प्रोग्राम बनाया है और आप देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर, ये फॉर लूप है और ये उसका ब्लॉक ऑफ फॉर लूप है। यहां पर मैंने कोई भी अभी कंडीशन नहीं दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था इन्फिनाइट लूप के लिए दो सेमीकोलन अंदर दे देंगे पैरेंथेसिस में तो ये इसको ट्रू मानेगा। अब इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, एरर बता रहा है जीरो, वार्निंग है वन। वार्निंग क्या है, अनरीचेबल कोड है, मतलब ये वही बता रहा है कि इसका कोड अनरीचेबल है, कहीं एंड नहीं होना इसका। अब रन करा के देखते हैं तो आप देख रहे हो ये IBM कंटिन्यू चल रहा है ना, कोई भी की काम नहीं कर रहा है, जब तक ये इंड नहीं होगा तब तक कोई की काम नहीं करेगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में आपको एग्जिट करना होगा। कैसे एग्जिट करेंगे, अल्ट और इंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट इन द सेंस व्हाट, मतलब हमारा बंद होने का ऑप्शन मिलेगा, बाकी कोई भी इसमें दूसरा कोई एग्जिट बटन नहीं है इसमें, बाकी किसी दूसरे तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा, देखिए अभी भी चल रहा है। तो इसको हम रोकने का यही तरीका है और आप इसको ऐसे रोक सकते हैं, ठीक है, यहां से आप इसको कट कर दीजिए। तो यहां से हम इसको कट करेंगे, भी कट हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा इन्फिनाइट लूप।
अब आप वाइल वाला खुद ट्राई करो और आप मुझे बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसा आप फील कर रहे हो इस प्रोग्राम को करके, इसको चला के। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको ट्राई करो। हैव अ नाइस डे।